आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। आजाद सिपाही ब्रेकिंग न्यूज। कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन ने मांगी चुनाव लड़ने की अनुमति। जेल में बंद कुख्यात नक्सली कुंदन पाहन भी चुनाव लड़ना चाहता है। इसके लिए उसने कोर्ट से अनुमति मांगी है। कुंदन पाहन पर 15 लाख रुपए का इनाम था और उसने 2017 में रांची पुलिस के समक्ष सरेंडर किया था। तब से ही वो जेल में है। हालांकि सरेंडर के दौरान ही उसने मीडिया के समक्ष राजनीति में जाने की इच्छा जताई थी। बता दें कि कुंदन पाहन पर कुल 128 आपराधिक मामले दर्ज हैं। उस पर पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा की हत्या का भी आरोप है। उस पर एक डीएसपी, एक इंस्पेक्टर और कई पुलिस वालों की हत्या के अलावा बैंक के 5 करोड़ रुपए की डकैती के आरोप भी हैं। एक दिन पहले ही रमेश सिंह मुंडा की हत्या की साजिश के आरोप में जेल में बंद पूर्व मंत्री राजा पीटर को भी एनआईए कोर्ट से चुनाव लड़ने की अनुमति मिली है। अगले ही दिन कुंदन पाहन की ओर से अनुमति के लिए आग्रह करना आगामी विधानसभा चुनाव के रोचक होने की वानगी है। कहा जा रहा है कि यदि अनुमति मिली तो कुंदन पाहन भी तमाड़ विधानसभा से ही चुनाव लड़ सकता है। इससे तमाड़ की जंग के कुछ ज्यादा ही रोचक होने के आसार बढ़ गए हैं। आजा सिपाही ब्रेकिंग में अभी इतना ही। खबरों की और भी अधिक जानकारी के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही और आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पेज पर देख रहे हो तो आप हमारे इस Facebook पेज को जरूर लाइक करें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।